पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से वीर सावरकर को लेकर गौरव यात्रा निकाली, गौरव गुणगान किया, ठीक उसी तरह से वीर सावरकर की जयंती को लेकर उत्तर मुंबई सांसद गोपाल सेट्टी काफी सक्रिय हो गए हैं। गोपाल सेट्टी ने इस बार लोगों को आह्वान किया है और कहा है कि वीर सावरकर की जयंती निमित्त आप सभी लोग अपना अपना समय दे, लिहाजन इस बार जो है वीर सावरकर की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, एक ऐतिहासिक रूप दिया जाएगा, जिसका उदाहरण आप देख पा रहे हैं कि वीर सावरकर इस उद्यान को बिल्कुल पूरी तरह से सुसज्जित किया जा रहा है। हालांकि करीब 18 साल पहले वीर सावरकर का यहां स्थापना हुई थी, लेकिन उसके बाद से लगातार महानगर पालिका ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस बार देखा जा रहा है कि सांसद गोपाल सेट्टी के नेतृत्व में एक बार फिर से इसे से पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि लगातार वीर सावरकर उद्यान को सजाने का काम किया जा रहा है, तमाम तरह की जो त्रुटियां हैं, जो टूटे हुए फर्श है, उन्हें बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कलर पेंट का भी काम जोरों पे चल रहा है। आने वाले 28 और 29 मई को जब वीर सावरकर की जयंती मनाई जाएगी, वह जयंती ऐतिहासिक होगी, इस तरह का आह्वान सांसद गोपाल सेट्टी ने किया है। सांसद गोपाल सेट्टी ने एक संदेश भी दिया है, जिसमें बताया कि जिस तरह से वीर सावरकर ने अपने पूरे जीवन को देश के लिए बलिदान किया है, ऐसे में हम सब की एक जिम्मेदारी बनती है कि वीर सावरकर की जयंती निमित्त कम से कम 2 से 3 घंटे जो है उन्हें देना बेहद जरूरी होगा। इसके लिए उन्होंने मुंबई करों को, खासकर बोरीवली करों को आह्वान किया है कि आप इस बार वीर सावरकर की जयंती में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और वीर सावरकर की इस जयंती को ऐतिहासिक बनाएं। देखिए खास रिपोर्ट क्या कहते हैं सांसद गोपाल सेट्टी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बार वीर सावरकर जयंती महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने गौरव दिवस के अवसर पर इसका आयोजन करने का घोषणा किया है। हम बोरीवली और उत्तर मुंबई के लोग भाग्यवान हैं कि हमने वीर सावरकर उद्यान 7 एकड़ के भूमि में 18 साल के पहले बनाया था। विद्यमान प्रधानमंत्री और उन दिनों के मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी जी के हाथों से इसका लोकार्पण हुआ था और देखते देखते 18 साल हो गए। इन 18 सालों में नगरजनों ने बड़ा प्रतिसाद दिया, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसको बहुत अच्छी तरह से देख रेख और मेंटेन किया है। फिर एक बार उसका लुक चेंज करने का काम मैंने प्रारंभ किया है। उद्यान के बाहर का परिसर भी मुंबई महानगर पालिका के ओर से रेलिंग वगैरह लगाकर उसका सुशोभीकरण भी हम कर रहे हैं। मैं नगरजनों से अपील करता हूँ कि आप सब लोग बड़ी संख्या में आकर इस साल का जो वीर सावरकर जयंती है 28 और 29 को बड़े पैमाने में इसको हम आयोजन करेंगे। वीर सावरकर जी ने पूरे अपने जीवन दे दिया देश के लिए, क्या हम 2-3 घंटे उनके जयंती के अवसर पर नहीं देंगे, ये मेरा सवाल है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बड़ी संख्या में आएंगे और इस कार्यक्रम को सफल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।